मजाक बना के रख दिया यार, टूर्नामेंट हो रहा है आपका, आपको बताया कोलंबो में बारिश है, नहीं जी हम तो कोलंबो में करवाएंगे। ओ भाई 15-20 हजार की टिकट बहुत महंगी होती है यार, आप तो बोल दिए आपने तो वहां पर एसी के रूम में बैठ के आप बोल दोगे बड़ा इजी है। कल भी रिजल्ट ना निकल पाया तो बीसीसीआई की कितनी खिल्ली उड़ेगी। अरे यार इगोइस्टिक कॉल्स है तो ईगो रखो अपनी जेब में, आपको क्या करना है अब, आपको अब आप क्या इसका जवाब दोगे? आपके जो भी आपसी टसल है भाई पाकिस्तान के इंडिया के भाई, उसको घर पे छोड़ के आओ भाई, आप क्रिकेट को वहां पे सपोर्ट करो। जय शाह साहब, अब आप क्या क्रिकेट से भी बड़े हो गए हैं? क्रिकेट का आपने मुकम्मल तौर पर बेड़ा गरक करके रख दिया, फैंस के इमोशंस का, उनकी फीलिंग्स का आपने सत्यानाश करके रख दिया। वो फैंस जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और इसी रेवेन्यू से पूरी दुनिया में क्रिकेट भी चलती है, इसी रेवेन्यू से दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड्स का चूल्हा चौखा भी जलता है। जय शाह साहब को ये लगता है कि वो क्रिकेट से भी ऊपर हैं, वो क्रिकेट के फैंस से भी ऊपर हैं। ये बातें मैं नहीं कर रहा, ये बातें इंडियन मीडिया कर रहा है, और मैं वेट कर रहा था इस बात का कि कब वो सारी चीज़ें जिनके ऊपर मैं पॉइंट आउट करता था इंडियन मीडिया खुल के बात करेगा। मैंने पिछली वीडियो में और उससे भी एक पिछली वीडियो में आप लोगों को कहा था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लोग इंडियन मीडिया में से जय शाह का नाम लेकर उसको जलील करेंगे, क्योंकि एशिया कप में जो हो रहा है ना उससे हर कोई गुस्से में है, लेकिन हर किसी से अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता। अब देख लें, इंडियन लोगों से ही अपना गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो रहा, दूसरा उनको गुस्सा किस चीज़ का? ये कौन से मैचेस हैं कि जिसका टिकट 10,000, 15,000, 20,000, 40,000, कुछ केसेस में तो 50,000 तक टिकट गया हुआ है। श्रीलंका में आप एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं जिसकी इकोनॉमी की सिचुएशन आप सबके सामने है, और वहां पर टिकट्स की ये प्राइसेस हैं। चले मान लिया कि एक महंगा टिकट लेकर कोई बेचारा जिसके पास पैसे हैं वो ग्राउंड में आ भी गया क्रिकेट का मैच देखने, तो उसे क्रिकेट के नाम पर मिलेगा क्या? बारिश, गीला ग्राउंड, वो वहां पर जाकर स्विमिंग सीख ले, क्रिकेट तो नहीं देख पाएगा और ना ही सीख पाएगा। उस बिचारे की फीलिंग्स का क्या? उसके जो पैसे इतने जाया हो गए, वो ये छोटी मोटी रकम नहीं है, पाकिस्तान इंडिया के अंदर कई लोगों की पूरे पूरे महीने की ये सैलरीज होती हैं कि जिसको इस तरीके से आग लगाई जा रही है, इसका कसूर किसके जिम्मे जाएगा? इंडियन मीडिया में कुछ जर्नलिस्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली कहते हैं कि जय शाह की ईगो के पीछे एशिया कप पूरे का पूरा ये टूर्नामेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट इवेंट उसका बेड़ा गर्क हो गया, वो तबाहो बर्बाद हो गया भाई, उसमें अब कुछ नहीं बचा। और दूसरा, लाले इस बात के भी पड़े हुए हैं कि अगर इंडिया फाइनल में ना आ सका तो क्या होगा, क्योंकि देखिए अगर आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था उसका फर्स्ट डे कॉल ऑफ हो गया, कल मैच वहीं से रिज्यूम होगा जहां पर आज ये मैच खत्म हुआ था कि 24.1 ओवर्स हुए थे, 147/2 है इंडिया, और यहीं से कल मैच स्टार्ट होगा। फाइन विद इट, ठीक है, आपने एक रिजर्व डे रखा हुआ था जिसकी सहूलत सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के इसी मैच में थी, और किसी टीम को कोई सहूलत नहीं है ये कि उनको भी रिजर्व डे मिले, जिसके ऊपर काफ़ी लहदे हो चुकी है, अब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो वहाँ पर अब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान अगर कल भी बारिश हो जाती है, और कल मैंने आपको बताया कल भी ठीक ठाक फॉरकास्ट है बारिश की, कल ये मैच वॉश आउट हो जाता है तो इसका पता क्या होगा? दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा, पाकिस्तान पीछे से पॉइंट्स लेकर आ रहा है, ये एक पॉइंट मिला ना तो पाकिस्तान तो समझे ऑलमोस्ट फाइनल में पहुंच गया। इंडिया को वक्त ये पड़ेगा कि इंडिया ऑलमोस्ट फाइनल में नहीं पहुंचा हुआ, इंडिया को आगे श्रीलंका से जीतना पड़ेगा। अब जो श्रीलंका वाला मैच है वो इंडिया के लिए टोटली नॉकआउट मैच बन जाएगा, अब वहां पर जो जीता वो आगे चला जाएगा, और ऐसे प्रेशर मैचेस के अंदर आपको पता है कोई भी टीम जीत सकती है, श्रीलंका को हल्का लिया नहीं जा सकता, होम ग्राउंड, होम क्राउड एडवांटेज, वो जीत गए तो इंडिया बाहर है। वो एशिया कप जिसके फेवरेट्स के तौर पर इंडिया को देखा जा रहा था, वो एशिया कप से बाहर हो गया, फाइनल तक में नहीं पहुंच सका। तो इंडियन मीडिया ये कहता है कि यहाँ पर बेइज्जती किसकी होगी? एसीसी की होगी, और उसके बाद बीसीसीआई की होगी। और ये भी वो कहते हैं यार एसीसी और बीसीसीआई एक ही चीज़ है ना, वहाँ पर जो उनका एसीसी का हेड है वो कौन है, जो बीसीसीआई का सेक्रेटरी है जय शाह, तो एक ही समझो ना, पीसीबी को साइड पे कर दो, क्योंकि उनसे फिलहाल कुछ हो नहीं रहा और ना उनसे पूछा जा रहा है। वो बकौल इंडियन मीडिया, उनको बस यही होता है कि कंपनसेशन में क्या दोगे, और पीसीबी वाले रिटर्न जवाब क्यों नहीं देते, या मीडिया में आके बात क्यों नहीं करते कि भाई आपके ऊपर इस किस्म के इल्जामात लग रहे हैं, आकर क्लैरिफाई करो कि आपको क्रिकेट से ज्यादा जो कंपनसेशन मिलेगी उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। फैंस बेचारों को गुस्सा इस चीज का कि उन्होंने एशिया कप से पहले सोचा था, वाह यार पाकिस्तान और इंडिया के दो महीनों के अंदर, एक साल के अंदर क्या, दो महीनों के अंदर अंदर चार मैचेस वो भी इंटरनेशनल देखने को मिलेंगे। उन बेचारों को क्या पता था कि चार छोड़े यहां पर तो एक मैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पहला मैच पाकिस्तान और इंडिया का वॉश आउट हो गया, आपके सामने है, दूसरा आज एक दिन उसका वॉश आउट हो चुका है,
अब कल की कल देखेंगे और कल भी चांसेस यही है कि वॉश आउट हो जाएगा, दो मैच ये गए, तीसरा अगर इंडिया फाइनल में ना आ सका फिर पाकिस्तान, तो मैंने आपको बताया इक्वेशन यही बताती है कि पाकिस्तान तो फाइनल में पहुंच जाएगा, इंडिया ना आ सका तो फिर क्या होगा, तीसरा मैच वहां पर गया और चौथा वो वर्ल्ड कप का है अहमदाबाद में, बस ठीक है उसी को करा करू के खुश हो जाओ, उसी में हार जीत जिस भी एक टीम की होगी तो ठीक है यार, कहाँ चार मैचेस देखने थे। और एक बंदे की ईगो, एक बंदे की मैं उसको क्या नाम दूँ, स्टुपिडिटी की वजह से चार में से तीन मैचेस का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब एक ही बचा है, वो जब होगा तो होगा, वो फिर जब दुनिया देखेगी तो देखेगी। अच्छा पाकिस्तानी फैंस को उनका गुस्सा इस बात पर है कि यार ये 50 ओवर्स में मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं, मैच आप वापस आ सकते हैं कुछ, मतलब आपको पता है ना डिफरेंट फेजेस चल रहे होते हैं किसी भी क्रिकेट मैच में, कभी ए टीम का पलड़ा भारी कभी दूसरी का। अब वो कहते हैं यार कि प्रॉब्लम इज दिस कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन का सबको पता है, ये जिस तरह कल रात को हुआ कि एकदम से खबरें आनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान को 24 ओवर्स में ये बनाना पड़ेगा, 23 में ये, 21 में ये, 20 में ये, 20 ही कम से कम हो सकता है ना, तो उनको ये था यार 20 ओवर्स में 181 ये बैटिंग लाइनअप कर पाएगी पाकिस्तान की, मतलब चांसेस तो कम है, साफ सी बात है। रिजवान ने अपने मुंह से उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने कहा हर कोई कहता तो है कि हम 266 वो पहले जो मैच था उसमें इजीली चेस कर लेंगे, उसने कहा इतना इजी नहीं होता अंडर द लाइट्स ओवरकास्ट कंडीशन, और वो 266 50 ओवरों में चेस करना था, यहाँ पर 20 ओवरों में 181 की बात हो रही है। तो पाकिस्तानी फैंस को गुस्सा इस चीज़ का कि इस किस्म की अचानक से कोई उनकी टीम के लिए इक्वेशन बन गई तो फिर क्या होगा, अब बॉलिंग तो स्ट्रांग है बैटिंग तो नहीं है ना उतनी, जो साफ सी बात है, तो फिर पाकिस्तानी फैंस का भी गुस्सा बिल्कुल जायज़ बनता है। तो एशिया कप को लेकर ना दोस्तों मैंने नोट किया है, ना पाकिस्तानी फैंस खुश हैं, ना इंडियन फैंस खुश हैं, ना इंडियन मीडिया खुश है, ना पाकिस्तानी मीडिया खुश है, और मुझे समझ नहीं आ रही खुश कौन है। मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि एशिया कप में अभी तक जितनी हमने क्रिकेट देखी है इस क्रिकेट को देखकर खुश कौन है। अगर आप में से किसी को पता हो ना कि कौन खुश है नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना यार। आज के अभी इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।